बिहार की राजनीति में पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम तेजी से उभरा। दरअसल पुष्पम प्रिया चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज किया था और कहा था कि उन्होंने ये प्रण लिया है कि पहले हराऊंगी, उसके बाद मास्क हटाऊंगी, क्योंकि अब तक मास्क में नज़र आती हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। लेकिन अभी नीतीश कुमार उसी पुष्पम प्रिया चौधरी के घर पहुंचे हैं जिसने प्रण लिया था कि पहले हराऊंगी फिर मास्क हटाऊंगी। और उनके घर आने को लेकर भी अभी पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमारा परिवार उनके यानी नीतीश कुमार के घर से पारिवारिक संबंध रखता है, वो संबंध अपनी जगह हैं, लेकिन आज भी राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बातें करने का समय नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा पार्षद दिवंगत विनोद चौधरी की बेटी और रूलर्स पार्टी के सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि दादाजी उमाकांत चौधरी के बहुत करीबी मित्र थे, हमारे पिताजी से नीतीश कुमार के पारिवारिक संबंध थे, इसी नाते आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भी पुष्पम प्रिया ने कहा है कि हमारा और उनके घर का पारिवारिक संबंध अपनी जगह है, लेकिन हम आज भी राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक बातें करने का समय नहीं है। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया ने कहा है कि मेरे पिताजी काफ़ी दिनों से राजनीति कर रहे थे, उन्होंने विश्वविद्यालय की राजनीति की, फिर उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ राजनीति की, फिर नीतीश कुमार जी ने जो नई पार्टी बनाई तो उनके साथ जुड़कर भी राजनीति की थी, उन्होंने मिथिलांचल की पहली सीट जेडीयू से जीती थी, दोनों व्यक्तियों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और अंतिम समय तक वो जेडीयू में रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार के जाने के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि परिवार का सदस्य और पिता के नेता होने के नाते हमारे दरवाजे हमेशा उनका स्वागत करेंगे, अपने साथी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, ये आपको बहुत मानते थे, उन्हें अच्छा लगा होगा। आपको बता दें कि 18 जुलाई को अपने पिता को मुखाग्नि देने के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार की बदहाली से जीतने की ज़रूरत है, पता नहीं लोगों को हक समझ में आता है या नहीं, लेकिन एक आदत ज़रूर हो गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को शायद मेरी भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि आदत हो गई है, मुझे नज़र आती है वो संभावना कि हम कितना बेहतर हो सकते हैं, हम कितना आगे जा सकते हैं, शायद यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ, नहीं तो फिर यहाँ होने का कोई कारण ही नहीं है। कोई भी एक बार यहाँ से निकल जाता है वो वापस नहीं आता, तो उसी को जीतना है। पुष्पम प्रिया ने कहा कि अगर कोई बाहर से आकर नहीं जीतेगा, सबको मिलकर जीतना पड़ेगा, अपने बिहार में कौन बिहार के हैं कौन नहीं है ये तो खुद ही समझना पड़ेगा। तो पुष्पम प्रिया अपनी फिर से वही मांग दोहराती हुई दिखी हैं जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को हराने की बात कही है, भले ही पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह हैं लेकिन राजनीति अपनी जगह है। तो नीतीश कुमार उस घर में पहुंचे थे जिनकी बेटी का प्रण ये है कि पहले हराऊंगी फिर मास्क उतारूंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको तमाम बड़ी खबरें।